18वीं विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश पाने के बाद योगी सरकार की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। इसी के साथ नई पारी में काम की प्राथमिकताओं के एजेंडे पर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। इसमें जनता से किए गए वादे तो होंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच से आने वाले मुद्दों के समाधान को लेकर की गई घोषणाएं भी शामिल होंगी। नई सरकार पर उन मुद्दों पर भी प्राथमिकता से काम की जिम्मेदारी है जिन पर रणनीति के तहत चुप्पी साधी रखी गई। कई मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव भर प्रत्याशियों से लेकर रणनीतिकारों व स्टार प्रचारकों को बेचैन किए रहे, पर जनता ने कई वजहों से नाराजगी व्यक्त करने के बाद भी वोट दे दिया। प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में वापसी के बाद ऐसे मुद्दों की पुनरावृत्ति रोकने व उनके समाधान पर भी नजरें होंगी, जिनमें की छुट्टा गोवंश की समस्या, समय से गन्ना मूल्य ना मिले तो ब्याज दिलाने के वादे पर अमल किए जाएं, एमएसपी पर फसल की खरीद अड़चने दूर हों, पूरे चुनाव बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बना रहा, इसलिए भर्तियों में अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, पुरानी पेंशन के मुद्दे का तोड़, महंगाई का मुद्दा भी काफी जोरों पर रहा, महंगाई की समस्याओं पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने का मुद्दा विशेष कर रहा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंड टू एंड हो संस्थागत सुधार किए जाने का मुद्दा, इसी तरह अनन्य विभाग में भी एंड टू एंड पहल होनी चाहिए जिससे सभी समस्याओं से राहत मिल सके। इन मुद्दों की उपेक्षा अगले लोकसभा चुनाव में फिर चुनौती के रूप में सामने आ सकती है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता पहले इन्हीं मुद्दों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।